कनाडा को हराकर सीधे सुपर 8 में पहुंची टीम पाकिस्तान। अब सुपर 8 में इन तीन खतरनाक टीमों के साथ होंगे पाकिस्तान के मुकाबले। जी हां दोस्तों, आखिरकार कनाडा को हराते ही किस तरह से सुपर 8 में पहुंची टीम पाकिस्तान, और अब सुपर 8 में पाकिस्तान टीम का सामना होगा कौन से तीन टीमों के साथ, बताएंगे आपको सब कुछ आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी पाकिस्तान टीम के इस शानदार प्रदर्शन से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान की टीम ने आखिरकार कनाडा के खिलाफ जीत दर्ज करते हुए टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार 11 जून को पाकिस्तान का सामना कनाडा के साथ हुआ और इस मुकाबले में पाकिस्तान टीम ने टॉस जीता। टॉस जीतते हुए पाकिस्तान की टीम ने कनाडा को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। एक बार फिर से पाकिस्तानी गेंदबाजों ने सदी हुई गेंदबाजी की और कनाडा की टीम को निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 106 ही रन बनाने दिए। इस मुकाबले में मोहम्मद आमिर और हरीश राउफ के खाते में 2-2 सफलता रही, जबकि शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को 1-1 विकेट मिले। 107 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया और पाकिस्तान की टीम ने टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की है और इसी के साथ पाकिस्तान के खाते में भी अब 2 अंक जुड़ गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी फैंस को ये लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम अब सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं करेगी। आयरलैंड के खिलाफ अगर यूएसए की टीम हार जाती है और पाकिस्तान की टीम अपने आखिरी मुकाबले में आयरलैंड को हरा देती है तो पाकिस्तान की टीम आराम से सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगी। सुपर 8 में से सेमीफाइनल पहुंचने के लिए पाकिस्तान को तीन खतरनाक टीमों से मुकाबले खेलने होंगे, जिसमें इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की टीमें शामिल हैं। अगर इन टीमों को पाकिस्तान की टीम हरा देती है तो वो T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई कर जाएगी। दोस्तों आपके मुताबिक क्या पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।